नमस्कार, डॉक्टर मनीष सीएमडी डॉक्टर सत्संगी क्लिनिक। मैं आज आपके सामने टॉपिक रखूंगा जो कि बहुत ही कॉमन है चेंज ऑफ वेदर में, स्पेशली अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया में और एशियन कंट्रीज में। जब ठंड का मौसम चेंज होता है या मौसम जब चेंज होता है तो अक्सर हमें फ्लू इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, आवाज का लॉस होना। आजकल आप देखिए, जो भी व्यक्ति ओरेटरशिप में, जो भी न्यूज रीडर्स हैं और अलग अलग ऐसे पर्सनैलिटीज हैं जिनको बात करना होता है, उनकी उनके आवाज में चेंजेस आते हैं, हस्कीनेस आती है, आवाज लगभग बैठ जाती है, इसको हम कहते हैं बैठा गला होना। और अगर उस समय ध्यान नहीं दिया जाए तो पूरी तरीके से आवाज लॉस हो सकती है। इस कंडीशन को हम होर्सनेस कहते हैं और मेडिकली ज्यादातर इसके पीछे रीजंस होते हैं कि आपका जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है जिसमें से आवाज निकलती है वाइब्रेट करके, उसमें सूजन आ जाती है, उसको हम लैरिंजाइटिस कहते हैं। और उसमें जो वोकल कॉर्ड होती है, कभी कभी वोकल कॉर्ड में भी सूजन आती है, चाहे उसके पीछे एलर्जी रीजन हो, चाहे इन्फेक्शंस रीजन हो। और इन्फेक्शंस बैक्टीरियल नहीं होते, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स खाकर इंतजार करना कि वो ठीक हो जाएगा इज अ मिसनॉमर, इज अ मिथ। और एक्चुअली मैं आपको किस तरीके से इससे आप बाहर निकल सकते हैं वो आसान रेमेडीज के बारे में आज बात करूंगा। वो घरेलू रेमेडीज भी हो सकती हैं, काढ़े या नुस्खे हो सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल रेमेडीज बहुत सारी मार्केट में है जो कि आप अपने घर पे सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। और मेडिकली स्पीकिंग थेरापेटिक्स, अगर मेडिकल साइंस और डायग्नोसिस और थेरापेटिक्स पे जाते हैं, तो आई रिकमेंड अ सेकंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स फॉर होर्सनेस, रेक्टिफाइंग द वॉइस डिसऑर्डर्स। और होम्योपैथिक मेडिकेशन अगर सही तरीके से इंडिकेटेड और डॉक्टर ने मैनेजमेंट के साथ आपको दिया, तो आपकी जो होर्सनेस पिछले चार दिन से छह दिन से आपकी आवाज खराब कर रही थी, आप लगातार एंटी एलर्जिक हिस्टामिन्स और अलग अलग ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स खाकर अपना जायका खराब कर रहे थे, हेल्थ खराब कर रहे थे, आप 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में काफी कुछ रिकवर कर जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हर एक पॉइंट साइंटिफिक है, उसको जरूर आप अपने लाइफ में एडॉप्ट करिए, शेयर करिए और लोगों के साथ उसको साझा करिए। मैं बता रहा था कि किस तरीके से आपकी आवाज खराब हो सकती है। खराब होने के पीछे कंडीशन को हम लैरिंजाइटिस भी कहते हैं, कभी कभी फैरिंजाइटिस में भी थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वॉइस बॉक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और कभी कभी जो वोकल कॉर्ड होती है उसमें एलर्जिक रिएक्शन से या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। जब वॉइस को हम बहुत ही हाई लेवल पे उसका इस्तेमाल करते हैं, टू मच ऑफ यूज ऑफ वॉइस एट अ हायर पिच, तो इन सभी कंडीशंस में आवाज खराब होती है। इनके कारण को समझना ही इनका निवारण है। अगर हम ये समझे कि हमें इन्फेक्शन हुआ है और पिछले छह दिन से हमारी आवाज खराब हुई है, तीन चार दिनों से आवाज खराब हुई है, सो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके बहुत दिनों से आपकी कंडीशन खराब है, आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ जमा रहता है, जब भी आप बात करते हैं तो आपको अपने थ्रोट को एक बार क्लियर करना पड़ता है, इसके बाद ही आप तेज आवाज में बात कर पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक लैरिंजाइटिस। इसमें अक्सर आपको महसूस होगा इसे गले में कुछ अटका हुआ है। यह भी क्योरेबल कंडीशन है, मैनेजेबल कंडीशन है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं और आपकी आवाज में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और इन कारणों को समझ के इनको ठीक करना एक डॉक्टर का वर्क होता है। और आपको अपनी कंडीशन को अवेयर होते हुए समझ के किसी चिकित्सक के पास जाना अति आवश्यक है। अब आपको ये पता चलेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्यूट लैरिंजाइटिस, जिसमें आपका आपकी आवाज पिछले कुछ दिनों से खराब हुई है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वही कंडीशन आपके आवाज को परमानेंटली खराब कर चुकी होती है। और इसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शंस कभी कभी मेजर लंग इन्फेक्शंस में भी कन्वर्ट होते हैं। इसलिए अगर इन्फेक्शंस के अंतर्गत ये कंडीशन हुई है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस ही इसके रीजंस होते हैं, तो इसका एक सफल नेचुरल ट्रीटमेंट करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिकेशंस शुरू से इन कंडीशंस में काफी कारगर रही है। एक्यूट लैरिंजाइटिस इज अ क्योरेबल एंटिटी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेजर ड्रग्स फॉर इट, गो अहेड विद द होम्योपैथिक ड्रग्स। ये आपको दो तीन दिन में अच्छे मैनेजमेंट और वॉइस रेस्ट और कुछ गार्गलिंग के साथ बिल्कुल ठीक कर देती है। जहां तक रही क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की बात, तो साइनोसाइटिस और ईएनटी एलर्जिक कंप्लेंट्स, एलर्जिक रिनाइटिस और ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारी नर्व्स को अफेक्ट करती हैं, जिनमें मायस्थेनिया ग्रेविस होती है, और ऐसी सिस्टमिक कंडीशंस बहुत ही रेयर होती हैं जो आपकी आपकी वॉइस को होर्स करती है। लेकिन कॉमनली ज्यादातर क्रॉनिक लैरिंजाइटिस या फेरिंजाइटिस के अंतर्गत ये होता है। इन दोनों कंडीशंस में इन बीमारी को डायग्नोस करके और फिर सही तरीके से सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स सही मैनेजमेंट से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात पे ध्यान रखिए कि कभी भी आपकी होर्सनेस आपको डेवलप हुई है तो आपको इसमें चिकित्सीय सलाह या फुल एजुकेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर अपने आवाज को लगातार आवाज बात करते रहे, तेज आवाज में बात करने की कोशिश करते रहे और आपको होर्सनेस चल रही है, आपको एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स इसको टेम्पररी कंट्रोल कर रहे हैं,
तो आपकी आवाज और वर्स होगी और समय के साथ आपकी आवाज की क्वालिटी परमानेंटली डाउन हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से होसनेस या आवाज आपकी अगर दबी है या बैठा है गला, तो किस तरीके से ये एक साइन हो सकता है और किस तरीके से आपको इससे बहुत जल्दी निजात मिल सकता है, आसानी से आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। होसनेस एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आपको पिछले 5-6 दिनों से आई है, तो इसके पीछे वायरल इन्फेक्शन या सीजनल इन्फेक्शन या सीजनल एलर्जीज विद वायरल इन्फेक्शन मेजर रीजन होते हैं। इसमें अक्सर हम देखते हैं कि हल्की सी इलनेस होगी, आपको हरारत महसूस होगी और फिर एक दो दिन के अंदर अगर आपको पता नहीं चलता आप लगातार कोल्ड से एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपको आपका गला बैठना शुरू होता है। इसमें आपको गले में गड़न हो सकती है, आपको कोई पेन हो सकता है और कभी कभी इरिटेशन हो सकता है, नाक का गला बंद हो सकता है। इनको हम सीजनल फ्लू कहते हैं और इस दौरान आपको जब लैरिंजाइटिस आपके गले में सूजन आती है तो आवाज खराब होती है। और अक्सर ज्यादातर आप लोग जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे लेक्चरर्स हों, डॉक्टर्स हों या अभिनेता फिल्म या न्यूज रीडर्स हों, इनमें अक्सर ये बीमारी चेंज ऑफ वेदर पे आप देखिएगा इनके गला बैठा हुआ है। ये अक्सर इनको पता नहीं रहता है, ये एंटी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेकर अपना 10-12 दिन का कोर्स करते रहते हैं। इसकी तुलना में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कम टू सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप 2-3 दिन में ही आप इस बीमारी से निकल पाएंगे और आपकी गले की आवाज भी खराब नहीं होगी और साइड इफेक्ट्स और कोलेट्रल डैमेज कम से कम रहेंगे। तो मेरा ये वीडियो आपको एक तरह की अवेयरनेस फैलाने के लिए कि यस, इन ऑल दीज कंडीशन मूव टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन होम्योपैथी थेरापेटिक्स एंड डेफिनेटली वो आपकी मदद इस कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में जड़ से कर सकता है और ये बीमारी जिस तरीके से आप में आई है उसको ये परमानेंटली ठीक करेगा और आपकी इम्यूनिटी को मोबिलाइज करेगा जिससे दोबारा ना हो। कुछ कंडीशन में क्रॉनिक लैरिंजाइटिस इज अ रिजल्ट ऑफ अ सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन है आपको या सिस्टमिक कंडीशन है, जैसे मैंने बताया था मायस्थीनिया ग्रेविस, हाइपोथायरॉयडिज्म है या एलर्जीज है जिसके कारण वोकल कॉर्ड नोड्यूल्स हैं आपको, या साइनोसाइटिस है जो मौसम चेंज पे एक्टिवेट होकर पोस्ट नेजल डिस्क ड्रिप्स प्रोड्यूस कर रही है और वो म्यूकस आपके गले को इरिटेट कर रहा है, आपको महसूस होगा गले में कुछ अटका हुआ है, कुछ रुई जैसी चीज अटकी हुई है, गले साफ करना पड़ेगा, इनको हम क्रॉनिक लैरिंजाइटिस कहते हैं या क्रॉनिक अफेक्शंस कहते हैं। इनमें भी मौसम चेंज पे आपको एक्यूट प्रेजेंटेशन हो सकता है, आवाज धीरे धीरे करके भारी होती है और एक समय आता है कि हल्का सा भी इन्फेक्शन हुआ तो आपकी आवाज खत्म हो जाती है। इन कंडीशंस में भी इनको लॉन्ग टर्म होम्योपैथिक मेडिकेशंस, होम्योपैथिक मेडिकेशंस के साथ थेरापेटिक्स और इनका सोल्यूशन बहुत ईजी किया जा सकता है। घरेलू नुस्खे अगर आप यूज करते हैं, जिसको मैं बोलता हूं कि अलग अलग काढ़े बनते हैं, स्पेशली कॉमन कोल्ड ना उसके लिए अलग काढ़े बनते हैं, ऐसे कंडीशन जिसमें आपकी आवाज खत्म हुई उसके लिए एक अलग कैटेगरी ऑफ काढ़े होते हैं जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं, इनका भी नुस्खा मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका यूज करके घर पे सिंपल काली मिर्च, अदरक और तुलसी का इस्तेमाल करके भी आप अपने को मैनेज कर सकते हैं अगर आप क्रोनिक लैरिंजाइटिस के पेशेंट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा कि इन सभी कंडीशन में आपको अपना एक्सपोजर कोल्ड से बचना चाहिए, मौसम चेंज होने पे अपने गले को कवर अप करना चाहिए, कान को कवर अप करना चाहिए। अक्सर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते यंग पीपल, और हम टी शर्ट्स का ठंड के मौसम में भी इस्तेमाल करते हैं, उस कंडीशन में आपको कोल्ड इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है वंस यू एक्सपोज टू कोल्ड, और उन कंडीशन में भी आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है, तो आपको इन जतन को भी यूज करना पड़ेगा, इन परहेजों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिगरेट पीने वाले और शराब पीने वाले डेफिनेटली उनको इस समय सिगरेट और शराब पे कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि वो कंडीशन को वर्स करती है। कुछ पेशेंट जिनको क्रॉनिक एसिडिटी होती है, जिनके पेट में एसिड बनती रहती है, उनमें भी कभी कभी सुबह उठ के गला होर्स रहता है, उनको गला साफ करना पड़ता है, तो एसिडिटी भी एक रीजन होती है होर्सनेस का, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को डायग्नोस करके उसको भी रिकवर करना पड़ता है जिससे कि पेशेंट परमानेंटली ठीक हो पाए। तो फ्रेंड्स, इन सभी कंडीशन में आपने देखा है कि इसमें एक मेडिकल एक्सपर्टीज, डायग्नोसिस और एक सेफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा ये पूरा वीडियो इस बात की अवेयरनेस के लिए कि फ्रेंड्स, आप सिर्फ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स और पेनकिलर्स या म्यूकोलाइट्स पे मत जाइए, यू बी विद होम्योपैथिक मेडिसिन, बी विद द नेचुरल होलिस्टिक मेडिसिन एंड यू शैल रिकवर इन अ शॉर्ट टाइम एंड दैट टू विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, एंड द बेस्ट बेनिफिट इज जीरो साइड इफेक्ट्स, सेकेंड बेस्ट बेनिफिट इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, थर्ड इज दैट योर इम्यूनिटी कम्स अप एंड यू योर बॉडी रिगेन्स द कॉन्फिडेंस। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक और बहुत खास बात मैं बताऊंगा आपको कि इन सभी केसेस ऑफ होर्सनेस जो कि मेडिकल रीजंस के अंतर्गत होती है, इसमें मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कम से कम बात करिए, जब आपकी कंडीशन वर्स होती है आप कोशिश नहीं करिए कि आप पंचम पे बात करें लोगों से जब आपकी आवाज बैठी हुई है। दूसरा, आप कोल्ड एक्सपोज बिल्कुल ना करें, नमक के गरारे लें,
होम्योपैथिक मेडिकेशन में हाइड्रास्टिस, फाइटोलेका, इचिनिशिया ऐसी मदर टिंचर्स आती हैं, उनको भी आप पानी में डाल के नमक के गरारे में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इन सभी कंडीशन में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम एसी या फुली एयर कंडीशन एरिया में रहते हैं जिससे कि गला सूखता है, उसमें भी ये होर्सनेस तेजी से बढ़ सकती है। तो आप हल्का सा मॉइस्ट रखिए एरियाज को, और स्पेशली जब भी आप वेपर को इनहेलेट करें, वेपर में आप यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं, या इचिनेशिया हाइड्रास्टिस का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। इस वेपर को लेने से भी आपका गला तर रहता है और आपको होर्सनेस के चांसेस कम रहते हैं। ये तो प्रिवेंटिव की बात हो गई, लेकिन क्यूरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो डेफिनेटली अगर आपको ये हो रहा है तो आप कम टू अस, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको निशुल्क सलाह देता हूं मेल्स पे, मेरे मेल सामने आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अगर आपको पसंद आता है तो अपने लोगों तक इसको पहुंचाएं। होर्सनेस के साथ नहीं बैठे, ये आपको परमानेंटली खराब कर सकता है गला, आप इसको बिल्कुल हल्के से ला लें, इसका ट्रीटमेंट कराएं। सो फ्यू ऑफ द मेडिसिन विच आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू अबाउट फॉर द कंडीशन ऑफ एक्यूट लैरिंजाइटिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। नॉर्मली आई रिफर 30 डाइल्यूशन, दैट इज दे आर जसीमियम, रस्टक्स व्हेन द वॉइस इज बीइंग ओवरयूज्ड एंड देयर हैज बीन अ इलनेस बिकॉज ऑफ द कोल्ड इन्फेक्शन, सीजन इन्फेक्शन, एलर्जीज, डल्कामेरा, ब्रायनिया, एकोनाइट इज अ वंडरफुल मेडिसिन इन सीजन ऑफ कोल्ड व्हेन यू बीन अफेक्टेड बाय कोल्ड विंड्स और यू हैव टेकन समथिंग कोल्ड एंड देयर इज अ लेवल ऑफ हीट, बॉडी हीट, रेस्टलेसनेस एंड द पेशेंट मे अंडरगो अ कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस और देयर इज अ स्टार्ट ऑफ थ्रोट इलनेस, मे बी लैरिंजाइटिस। एकोनाइट अबॉर्ट्स द केस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। So aconite, belladonna at times, in long term cases causticum, arum triphalum, nitric acid, there is a pain in the throat, sometimes there is an infection, there is a pain in the throat, you feel like something is piercing the throat, nitric acid, hypersulf, brania, these are the wonderful medicines which helps you within 24 hours to recover these illness. So the combination of all of these or either few of them on a stepladder based prescription as per the second generation therapeutics will help you. So please note down these medicines: Jalsimum, Rustux, Dalcamera, Arum Triphalum, Hypersulf, Nitric Acid, Aconite, Bell, Causticum at times, and many other medicines which are there for a gargling like Echinacea, Hydrastis, Phytoleca. These medicines will help you within 2-3 days, within 24 hours. So don't hesitate. Meet your doctor, get a diagnosis done, ensure that he helps you in a short duration. Homeopathy is a wonderful part for you. And my basic service for all of you is to give you awareness of homeopathic medicines. They are wonderful. They help you to recover very fast. People do not know about it. Go to qualified people. Come to us. We will educate you about it. We will help you. Write to me on mails. You can speak to our counselors across India. इसके अलावा आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अगर आपको पसंद आता है तो अपने लोगों तक इसको पहुंचाएं। होर्सनेस के साथ नहीं बैठे, ये आपको परमानेंटली खराब कर सकता है गला, आप इसको बिल्कुल हल्के से ला लें, इसका ट्रीटमेंट कराएं। और फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन को आखिरी तक सुनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके अंदर बैठे ईश्वर को भी नमन करता हूँ। ऑल द बेस्ट।